क्या हुआ जब एक साईं भक्त महिला की बिगड़ी कार को ठीक करने साईनाथ को आना पड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह सच्ची घटना है अंजलि शर्मा जी की, जो कि साईं बाबा की अनन्य भक्त है। अंजलि शर्मा की यह सच्ची घटना देखने के बाद आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखिएगा। जी हाँ भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अंजलि शर्मा जी ने हमें बताया कि उस दिन साईं बाबा उनकी बिगड़ी कार को ठीक करने दौड़े चले आए। दोस्तों, अंजलि शर्मा साईं बाबा को बहुत मानती है। वे हर गुरुवार साईं बाबा का सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से व्रत रहती है। अंजलि जी बताती है कि साईं बाबा के पूजा करने के बाद वहां आसपास के सभी जीव जंतुओं को, जानवर पशु पक्षियों को जो उनके मोहल्ले के आसपास दिखते हैं, हर गुरुवार व हर दिन अपने सामर्थ्य अनुसार रोटी व बिस्कुट जैसी वस्तु खिलाती है। साईं जी की कृपा से उन्हें कभी भी कोई भी निराशा हासिल नहीं हुई। वह हर दिन खुलकर जीती है और हर कार्य में उन्हें जो भी वह कार्य करना चाहती है उन्हें साईं बाबा की कृपा से सफलता जरूर मिलती है। उनका जीवन सुखमय रूप से व्यतीत हो रहा था। उन्हें आभास नहीं था कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। यह बात है सन 2018 की, जब अंजलि जी को अपने ऑफिस जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिल नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपने ऑफिस जाने के लिए एक कार लेने जा रही थी। वहाँ पर उन्होंने एक कार को पसंद किया, उन्होंने वह कार खरीद ली, किंतु उन्हें अभी कार चलाना ठीक से नहीं आता था। वह अपने आसपास के लोगों से कार चलाना सीख ही रही थी। उन्हें अभी कार चलाना ठीक से आता नहीं था और न ही कार के उपकरण के बारे में ज्यादा उन्हें पता था। वह अपने कार से अब घर से ऑफिस आना जाना कर लेती थी, किंतु उनके जाते समय रास्ते में एक बहुत ही बड़ा जंगल पड़ता था, जहाँ पर आसपास कोई भी आदमी नहीं थे और न ही वहाँ कोई साधन था। वह अपने कार से ऑफिस के लिए निकल चुकी थी, परंतु उन्हें एहसास नहीं था के आगे क्या होने वाला है। जब वह कार से जंगल की तरफ आगे ही बढ़ रही थी, उन्हें आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और चलाते ही चलाते अचानक उनकी कार रास्ते में ही खराब हो गई। उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उन्हें मीलों दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। वे बहुत ही घबरा चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपने फोन को निकाला तो उन्होंने देखा कि उसमें भी उनका बैटरी लो है, जिसके कारण उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। यह देखने के बाद अंजलि जी बहुत ही डर गई और वह कार को धक्का मारकर चलाने का प्रयास कर रही थी, किंतु इससे बात नहीं बनी। शाम होने को था जब उन्हें कुछ भी नहीं सूझा तो वो अपने कार के गेट को खोलकर सीट के पास बैठ गई और शाम जब हुई तब अचानक बहुत जंगली जानवरों की आवाज अंजलि जी को सुनाई देने लगी। इतने खतरनाक आवाजें सुनकर अंजलि जी पसीने से भीग चुकी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर साईं बाबा को याद करने लग जाती है कि अचानक एक बहुत ही तेज रोशनी से एक बूढ़ा सा व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर अंजलि जी बहुत ही सहम चुकी थी कि तभी बूढ़ा व्यक्ति कार के सामने आता है और कार का इंजन खोलकर उसमें पानी डालने लगता है। अंजलि जी इतना डर चुकी थी कि उन्होंने डर के मारे कार का गेट भी नहीं खोला। थोड़े देर बाद वह बूढ़ा व्यक्ति वहां पर से अचानक कहीं अदृश्य हो जाता है। अंजलि जी ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गेट खोला और जब आगे इंजन में देखा तो सब कुछ ठीक दिख रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपने इंजन को बंद किया और अपने कार को स्टार्ट किया तो पता नहीं कैसे अचानक उनकी कार चालू हो गई। वह सीधे सही सलामत कार सहित अपने घर वापस आ गई। जब यह सारी घटना अंजलि जी ने घर पहुंचकर अपने पिता को सुनाई तो उनके पिता ने कहा, बेटी तुम बहुत ही किस्मत वाली हो, वहां पर जो बूढ़ा व्यक्ति था वे कोई और नहीं, वो साईं बाबा थे। यह सुनकर अंजलि जी की आंखों से आंसू आ गए। वे तुरंत साईं बाबा के पूजा रूम में जाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। वह हाथ जोड़कर साईं बाबा का धन्यवाद करने लगी और साईं बाबा से रोते हुए यही कहने लग जाती है, मेरे बाबा का जब तक मेरे सर पर हाथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। वह अब अच्छी तरीके से कार चलाना भी सीख चुकी थी और यहाँ तक नहीं भक्तों, आने वाले समय में जो भी उनके ऊपर संकट आया साईं बाबा की कृपा से वो सभी टल गई। कहते हैं ना भक्तों, जिसके सर पर साईं बाबा का हाथ है उनके जीवन में कभी भी कुछ भी साईं बाबा बुरा होने नहीं देते। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो हमें व्हाट्सएप में या मेल करके जरूर बताइएगा या नीचे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी हमारे
हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस चैनल के पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं, तो बगल में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप भी जरूर ज्वाइन करें, ताकि सभी जरूरतमंद लोगों को आपके द्वारा ज्वाइन की गई रकम से जरूरतमंद की भोजन, जरूरतमंदों की मदद और साईं बाबा के मंदिर में भोजन सेवा आप सभी भक्तों के नाम से जारी रहे। मिलेंगे अगली बार एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।